नमस्ते दोस्तों, आज हम भेल पूड़ी बनाएंगे। उसके लिए सारी चीज़ों काट के रख लिए हैं। एक आलू बॉयल करके बारीक काट के ले लिए हैं। तीन चार हरी मिर्च को बारीक काट लिए हैं। एक टमाटर को बारीक काट के ले लिए हैं और एक बड़ा प्याज को बारीक काट के ले लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता है। एक बड़ा सा बाउल में मुरमुरे ले लिए हैं। आधा कटोरा मिक्सचर ले लिए हैं और थोड़ा सा मिर्चा के अचार के मसाला ले लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले प्याज डालेंगे, आलू डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, अचार का मसाला डालेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। हम अचार का मसाला डाले हैं इसलिए नींबू के रस नहीं डाले हैं। आप चाहे तो नींबू के रस डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। भेलपूड़ी बनकर तैयार है खाने के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।